भरूची की 127 मुकदमा दर्ज। उधर लाहौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तालीमी इदारों के तरफ से 5 मनशियात फरोश गिरफ्तार, मुलजिमान से 38 किलोग्राम मनशियात बरामद। खातीन पर तशद्दुद और हिरासा करने के वाकयात में कमी ना हो सकी। रमा साल 29,166 कॉल्स मौसूल हुई, 936 खातीन ने केसेस दर्ज करवाए। ज्यादा कॉल्स खातीन को हिरासा करने और प्रॉपर्टी केसेस की थी। उधर FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई, खातीन को सोशल मीडिया पर हिरासा करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। कोट लखपत के इलाके में घर से मियां बीवी की फंदा लगी लाशें बरामद, पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। उधर सतु कतला में मामूली तल कलामी पर 2 भाई कत्ल, पुलिस ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मिल्लत पार्क के करीब पेशी से वापस आने वाले शहरी पर फायरिंग, नामालूम मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग से वकास मौके पर दम तोड़ गया, पुलिस ने लाश तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। साफ पानी की फराहमी के लिए बनाई गई आप पाक अथॉरिटी फंड्स की मुंतजर, गवर्नर पंजाब की सिफारिशात पर बनाई गई अथॉरिटी को ताहाल फंड्स जारी ना किए जा सके। रवा माली साल में अथॉरिटी के लिए 8 अरब रुपए के फंड मख्तस किए गए थे, फंड्स के इजरा के लिए सेक्रेटरी टू गवर्नर ने मरासला लिख दिया। सकाफत की बहाली के लिए शहर लाहौर तेरी रौनकें दायम आबाद तहजीब का मरकज, खुशहाल लाहौर की थीम पर काम करने का फैसला। चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर की कन्वीनियरशिप में 10 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी मास्टर प्लानिंग की तैयारी में शहरी सकाफत की बहाली के लिए TO आज मुरतब करेगी। FATF के टारगेट पूरे करने का मामला, हुकूमत की जानिब से तहवील में लिए गए फलाही इदारों के लिए 91 करोड़ के फंड जारी, फलाही इदारों में मदारिस, स्कूल और डिस्पेंसरीज और 100 एम्बुलेंसेस शामिल। पुलिस में भर्ती की पॉलिसी तब्दील करने का फैसला, उम्मीदवारों का माहिर नफ्सियात के पैनल से टेस्ट करवाया जाएगा, इंटरव्यू और तहरीरी टेस्ट के नंबर्स बराबर होंगे। IG पंजाब कहते हैं मनशियात फरोशी में मुलविस अहलकार पुलिस फोर्स का हिस्सा नहीं रहेंगे। तफ्तीशी अफसरान की जानिब से नाकिस तफ्तीश, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस का CCPO को कार्रवाई के लिए मरासला, 30 थानों के मुख्तलिफ तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई, CCPO का अदालती तातीलात खत्म होने से पहले चालान अदालतों में भिजवाने का हुक्म। बदलते मौसम की अंगड़ाई ने एक बार फिर गर्मी को मात दे दी, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मुतअद्दिद सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम रहा। पॉलीथीन बैग्स माहौल को आलूदा करने की बड़ी वजह करार, शॉपिंग बैग्स की रोकथाम के लिए हंगामी बुनियादों पर कानून साजी की जा रही है, शहरियों ने भी पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी आयद करने के हुकूमती फैसले को सराहा। मेट्रो बस इंतजामिया ने वजीर ट्रांसपोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए, मेट्रो का किराया 10 रुपए बढ़ाने के बावजूद सहूलियात फराहम न की जा सकी, मेट्रो स्टेशन पर वॉशरूम्स की सहूलत के वज 10 रुपए बटोरे जाने लगे। लेस्को ने वजीर आजम क्लीन एंड ग्रीन मुहिम की धज्जियां बिखेर दी, ग्रिड सिस्टम कंस्ट्रक्शन के अफसरान ने माहौलियाती असरात को पसे पोस्ट डाल दिया, कंपनी ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट से NOC के बगैर ग्रिड स्टेशन की तामीर शुरू कर दी, महकमा माहौलियात की टीम का 2 मकामात पर छापा, NOC ना होने पर महकमा माहौलियात का लेस्को चीफ को खत। पंजाब में मुतअद्दिद अहम तरीन असामियां खाली, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर स्पेशल सेक्रेटरी महकमा C&W की सीट खाली, सिविल सेक्रेटेरिएट में ग्रेड 18 और 19 की 20 से ज्यादा सीटों पर भी तैनातियां ना हो सकी। मेडिकल अफसरान और वुमेन मेडिकल अफसरान के तकर्रो तबादले की पॉलिसी में तरामीम, पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले डॉक्टर्स को टीचिंग अस्पतालों में तैनात किया जाएगा, मेडिकल अफसरान को पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बतौर कंसल्टेंट तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में मामूर किया जाएगा।
लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में वकला और साइलीन के लिए सहूलियात का फुकदान, पार्किंग साफ पानी समेत दीगर सहूलियात नापैद, अदालतों में आने वाले स्पेशल अफराद के लिए रखी गई व्हीलचेयर्स भी गायब। दो माह बाद भी ट्रेन शेड्यूल पटरी पर ना आ सका, कराची और कोयटा से आने वाली मुतादिद ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। वजीरे रेलवे शेख रशीद कहते हैं 15 सितंबर के बाद ट्रेन शेड्यूल मामूल पर आ जाएगा, लोकोमोटिव के मामलात ठीक कर रहे हैं। रेलवे फ्रेम यूनियन के जरिए तमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली, जनरल सेक्रेटरी फयाज शहजाद, तारिक नियाज, रमजान बाबा समेत मुलाजमीन की शिरकत। टाउनशिप में भी ताजरों का भारत के खिलाफ मुजाहिरा, अंजुमन शहरियान का कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए रैली का इनेकार। चेयरमैन अंजुमन शहरियान कहते हैं भारत ने निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर दी। एंटी करप्शन लाहौर रीजन ए की टीम का हरबंसपुरा में ग्रैंड ऑपरेशन, 1 अरब 30 करोड़ रुपए मालियत का सरकारी रकबा बागुजार करा लिया। पंजाब फूड अथॉरिटी की बंद ढोड़ पर कार्रवाई, आलाइशों से ऑयल तैयार करने पर 2 यूनिट सील, आलाइशों और चर्बी से तैयार करदा 6,000 लीटर से ज्यादा तेल जब्त कर लिया गया। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में गैर कानूनी ठेके देने का इल्जाम, साबिक वजीर राणा मशहूद आज नैब में पेश ना हुए। नैब लाहौर ने लीगी रहनुमा को सवाल नामा के जवाब समेत तलब किया था, राणा मशहूद कहते हैं नैब ने मुझे जुमे को बुलाया है। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान वज़ीर आज़म के रडार पर आ गए, कौन कितना फाल और कितना गैर फाल, वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट तलब कर ली। 40 तर्जुमान ओहदों पर विराजमान लेकिन कारकर्दगी सिफर, 1 साल कारकर्दगी पर कोई भी आवाम के सामने रिपोर्ट मुनासिब अंदाज में न ला सके। सूबाई वजीर खजाना का फाइनेंस एंड डेवलपमेंट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की फंडिंग के तरीकेकार के मामलात जेर बहस, मुख्तलिफ महकमों में 102 नशिस्तों पर भर्ती के लिए 70 मिलियन रुपए मंजूर, सूबाई वजरा मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज की शिरकत। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से चीफ सेक्रेटरी की मुलाकात, अदालतों के इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया, चीफ सेक्रेटरी ने चीफ जस्टिस को सूबे के दीगर अमूर के बारे में इकदाम से आगाह किया। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी केस, पेशरफ्त के हवाले नैब लाहौर में ब्रीफिंग, DGLDA MD वासा सैयद जाहिद अजीज और दीगर के शिरकत। ये सारी मुसीबत मरियम बीबी ने अपने सर मोड़ लिए, सारे खानदान की सियासत को तबाह बर्बाद कर। शबाज मेरी पार्टी का आदमी है, समझदार है, लेकिन वो फंस गया है। एक तरफ उसका खून है, दूसरी तरफ उसकी सियासत है, ना वो खून को बचा सकेगा ना सियासत को बचा सकेगा। मरियम नवाज ने सारी मुसीबत खुद मोल ले ली, वफाकी वजीर शेख रशीद की सियासी हरीफों पर लफ्जी गोलाबारी, बोले शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का आदमी है, वो ना सियासत बचा सकेगा और ना ही खून। शेख रशीद का कश्मीरियों की जदोजहद आजादी के लिए आवाज बुलंद करने का ऐलान। हुक्मरान कश्मीर को बेच चुके हैं, आवाम को सच बताएं, मौलाना फजल रहमान कहते हैं भारत को कश्मीर और हमें फाटा की सूरत में एडजस्ट किया गया, पहले सोचते थे श्रीनगर कैसे बचाएं, अब मुजफ्फराबाद को बचाने की फिक्र लाहक है। बाबा गुरु नानक का 550वां जन्मदिन, पंजाब हुकूमत का सिख कन्वेंशन मुनक्किद करवाने का फैसला, वज़ीर आला पंजाब ने सिख कन्वेंशन के इनेकाद की मंजूरी दे दी, कन्वेंशन में दुनिया भर से सिख बरादरी शिरकत करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की एजुकेशन फेस्टिवल में शिरकत, कहते हैं यूनिवर्सिटियों में मुस्तकिल वाइस चांसलर मेरिट पर तैनात किए, मार्केट में नौकरियों के मौके पैदा करेंगे ताकि डिग्री हासिल करने वाले बच्चों को आसानी हो। कमिश्नर लाहौर की जेर सदारत स्मार्ट सिटी मंसूबे पर इजलास, शहर को जदीद टेक्नोलॉजी पर इस्तेमाल किए जाने पर गौर, महकमा LDA बासा समेत दीगर महकमों के अफसरान की शिरकत।
डिप्टी कमिश्नर सालेह सईद की हिदायत पर अम कमेटी का इजलास। अम कमेटी के मेंबरान की मुहर्रम उल हराम में अम कायम रखने की यकीन दहानी। उधर मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में सीसीपीओ की ज़ेर सदारत जिले अम कमेटी का इजलास। तमाम मकातिब फिक्र के उलमाए कराम की शिरकत। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में शजरकारी मुहिम। आईजी आरिफ नवाज ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। कहते हैं पुलिस के तमाम दफातर में पौधे लगाए जा रहे हैं। आईजी पंजाब की शजरकारी मुहिम को थानों की सतह तक ले जाने की हिदायत। पंजाब जुडिशियल एकेडमी में जेरे तरबियत एसपीज का सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अकबर नासिर खान की मुख्तलिफ शोबाजात बारे ब्रीफिंग। वफ में पंजाब के जदीद क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन विंग के अफसरान भी शामिल थे। बिजली गैस और खाम माल की कीमतों में आए रोज इजाफा। पेपर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री की पैदावारी लागत में 40% इजाफा हुआ। सनअतकारों का लाहौर चैम्बर में अहम इजलास। वज़ीर आज़म से सनअती पैदावारी लागत बढ़ाने का नोटिस लेने का मुतालिबा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद की याद में ताज़ीती रेफरेंस। सूबाई वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद किंग एडवर्ड के वाइस चांसलर समेत सरकारी अस्पतालों के MS और दीगर प्रोफेसर की शिरकत। और खिलाड़ियों को अपनी फिटनेस पर तवज्जो देना होगी। दुबई में खिलाड़ियों की बेहतर परफॉर्मेंस रही। कौमी बल्लेबाज असद शफीक कहते हैं जीत के लिए खिलाड़ियों को मिलकर मेहनत करना होती है। 3 साल से डोमेस्टिक खेल रहा हूं, परफॉर्मेंस अच्छी है, कैंप में सीखने की कोशिश करेंगे।